तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी का ब्लॉग मैं कर रही हूँ शाम के 7 बजे से शुरू, क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी किसी शादी में, तो मैंने सोचा आज ब्लॉगिंग की जाए। तो आज है मेहंदी नाइट और कल है बारात शादी, तो आज का ब्लॉग भी आएगा और कल का ब्लॉग भी आएगा, तो देखते रहिए मेरे ब्लॉग। ब्लॉग तो आ नहीं रहे लेकिन फिर भी देखते रहे। और अभी मैं बना रही हूँ खाना, और मैं खाना, अब आप बोलोगे तो शादी में जा रही है खाना क्यों बना रही है, तो मैं खाना बना रही हूँ अपने भाई के लिए, क्योंकि मेरा भाई जो है बाहर का खाना नहीं खाता है, वो घर में बना हुआ खाना खाता है। तो अभी वो फ़िलहाल कुछ टाइम तक बाहर का बना हुआ खाना नहीं खाएगा, तो इसीलिए मैं उसके लिए खाना बना रही हूँ, उसके लिए खाना बनाऊँगी और फिर मैं उसके बाद जाऊँगी। शादी ज़्यादा दूर नहीं, आगे है गुलाबराय से आगे, तो इसीलिए तो मेरा भाई जो है मुझे आएगा छोड़ने, जिसके लिए मैं खाना बना रही हूँ, उसी की जिम्मेदारी है मेरे को वहाँ छोड़ना। तो फिर मिलती हूँ आपको फटाफट, पहले खाना बना लेती हूँ क्योंकि ये 7 बज चुकी है, अंधेरा हो चुका है और मुझे जाना भी है, तैयार भी होना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जी बना लेते हैं, और सब्जी में मैं बना रही हूँ आज बीन्स, और एकदम सिंपल बनाएंगे क्योंकि लहसुन प्याज को खाना भी है नहीं, तो ऑनली जीरे का तुरका लगाऊंगी बस। सबसे पहले हम तेल डाल लेते हैं, और ये तेल बोतल जो है अभी ले जा रही थी, कैसे खुलेगी, बड़ी मुश्किल से नाखून थोड़ा बढ़ रहे हैं, वो भी मुझे लगता है। दोस्तों, खाना भी हो चुका है तैयार, और अब मैं भी होती हूँ तैयार। और मैं अभी शाम को नहाई थी ना, तो बाल अभी मेरे सूखे नहीं है, तो मुझे बड़ा गंदा लगता है गीले बालों में, तो अभी फटाफट से देखते हैं बालों को सुखाते हैं कुछ ना कुछ करके। तो ठीक है, फिर अभी मिलती हूँ आपको तैयार होने के बाद। अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार शादी में जाने के लिए, मेहंदी में जाने के लिए। और यहाँ पे इतनी सारी गाय थी ना, तो मेरे भाई ने स्कूटी लगाई थी यहाँ पे रोड के किनारे, और गाय ने हमारी स्कूटी नीचे गिराई। नहीं, इसको किया, थोड़ा भी खरोच आता है तो बहुत दुख होता है, तो इस पर हल्का सा स्क्रैच पड़ा, स्क्रैच नहीं ऊपर जो थोड़ा सा, पर दुख तो होता ही है, नई चीज है, हंसी भी आ रही है कैसे बताऊं। तो दोस्तों, हमारे स्कूटी का तेल खत्म हो चुका है, हम आधे रास्ते में फंस गए, अब क्या करें? तो हम लोग यहाँ रुक चुके हैं बीच रास्ते में, और मेरा भाई बहुत हंस रहा है कि तेल ख़त्म कैसे हो गया, मुझे ये हो रहा है कि मैं शादी में कैसे पहुंचूं, उसको ये हो रहा है कि अब तेल कहाँ से आएगा। तो अभी उसने फ़ोन किया अपने किसी दोस्त को, तो वो तेल अगर पेट्रोल पंप खुला होगा तो, वैसे तो टाइम कितना हुआ, 9 बज चुकी हैं, अगर खुला होगा तो वो लेके आएंगे जिनको इसने बोला है, तो देखते हैं अभी क्या होता। तो ये हल्का सा घिस गया है, इसीलिए रोड में गाड़ी खड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गाय आजकल इतनी सारी हो गई है, गायों का आतंक इतना ज़्यादा हो गया है, गाय का आतंक आजकल। वो तो अच्छा हुआ कि और जगह नहीं लगी, ओनली यहीं पे हल्का सा स्क्रैच आ गया, लेकिन दुख तो बहुत होता है क्योंकि अभी नई चीज़, अभी इसको लाइव 1 महीना हो रहा है, और हल्की सी भी स्क्रैच पड़ जाए तो बहुत दुख होता है, और मैं समझ सकती हूँ इसको बहुत दुख हो रहा होगा इस टाइम पर। और देखो ना, तेल भी ख़त्म हो गया, तो हमारे साथ आज पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन भैया का थैंक यू, यहाँ पे तेल लेके आ चुके हैं हमारे लिए। कितने का लाया जी? 80 का। 80 का।
तो दोस्तों नाच नाच की हालत ऐसी हो चुकी है, शक्ल का बुरा हाल हो गया और अब हम जा रहे हैं चेंज करने और सोने। और हमें मिला है रूम नंबर 108 जो कि इधर वाले फ्लोर पे है। पहुंच चुके हैं अपने रूम में और ये है लॉज के रूम, क्योंकि जो शादी है वो लॉज में हो रही है और जिनका लॉज है उन्हीं के यहाँ शादी है, तो इसीलिए तुम लोग कन्फ्यूज मत होना कि शादी के लॉज नहीं करा हुआ, उनका खुद का लॉज है। तो यहाँ पे मेरी तो ये है अंशु जो कि मेरी मम्मी के साथ सोएगा, और यहाँ पे ये देखो ये मेरी मौसियाँ हैं यहाँ पे। ये तुम कहाँ सोगे? ये पता नहीं कहाँ सोएंगे ये यहाँ यहाँ ऊपर सोएंगे या ऊपर, इन दोनों के लिए यहाँ ऊपर है जगह, यहाँ सोएंगे ऊपर रैक के ऊपर। तो गाइस अब मैंने कर लिया है चेंज और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और लाइट बंद कर दो वरना कोई अंदर आ जाएगा।